QRS नोमेनक्लेचर पार्ट 2। QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में ये समझना जरूरी है कि कई बार इस कॉम्प्लेक्स में Q वेव, R वेव या S वेव एब्सेंट होती हैं। इसी वजह से इसके नोमेनक्लेचर में कन्फ्यूजन होता है। QRS डिफ्लेक्शन के रिलेटिव साइज के हिसाब से उसे डिस्क्राइब करने के लिए Q, R या S लेटर्स के अपर या फिर लोअर केस यूज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है और उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्मॉल Q, कैपिटल R कहते हैं। अगर पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है तो इस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल Q स्मॉल R कहते हैं। अगर पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है और उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्मॉल R कैपिटल S कहते हैं। अगर पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है तो इस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल R स्मॉल S कहते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ बड़ा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है तो उसे कैपिटल Q कैपिटल S कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ बड़ा अपवर्ड डिफ्लेक्शन है तो उसे कैपिटल R कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन भी बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल Q कैपिटल R कहते हैं। अगर पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन भी बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल R कैपिटल S कहते हैं। अगर पहला डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है, उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन भी बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्मॉल Q कैपिटल R कैपिटल S कहते हैं। अगर पहला अपवर्ड डिफ्लेक्शन छोटा है, उसके बाद का डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बड़ा है और उसके बाद का अपवर्ड डिफ्लेक्शन भी बड़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स को स्मॉल R कैपिटल S कैपिटल R प्राइम कहते हैं। कभी कभी QRS कॉम्प्लेक्स में दो या तीन से ज़्यादा डिफ्लेक्शंस होते हैं। ऐसे में एक्स्ट्रा वेव को R प्राइम कहते हैं अगर वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होते हैं और S प्राइम कहते हैं अगर वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होते हैं। हालांकि QRS कॉम्प्लेक्स को समझने में थोड़ी मेहनत लगती है पर इसका एक बड़ा एडवांटेज है। इसको जानने से हम QRS कॉम्प्लेक्स को फोन पर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं।